गेहूं का समर्थन मूल्य 3,000 रुपए करने की मांग को लेकर युवा किसान संगठन के नेतृत्व में घुसट से हाट पिपलिया तक साइकिल यात्रा आयोजन किया गया। रविवार को युवा किसान संगठन के अध्यक्ष रविंद्र चौधरी ने बताया कि घुसट से साइकिल यात्रा शुरू की गई, जो टप्पा सुकली होते हुए हाट पिपलिया पहुंची, जहां हाट पिपलिया भ्रमण कर मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान हाट पिपलिया में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने यात्रा आयोजक का स्वागत किया। इस अवसर पर युवा किसान संगठन के पदाधिकारी व किसान मौजूद थे। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। युवा संगठन द्वारा साइकिल मार्च का आयोजन किया, किन विषय को लेकर किया गया और क्या मांग है और कहां से कहां तक यात्रा निकाली जा रही है? आज का ये जो साइकिल मार्च है, साइकिलाथॉन जो हम सब किसान साथियों ने निकाला है युवा किसान संगठन की पूरी टीम के साथ, ये गेहूं के समर्थन मूल्य 3,000 रुपए प्रति क्विंटल की मांग को लेकर निकाला है। और ये मांग हमको इसलिए निकालना पड़ी क्योंकि जहां एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूक्रेन का युद्ध होने की वजह से गेहूं की भारी मांग है, लेकिन हमारी सरकारों की निष्क्रियता के चलते गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है और उसकी वजह से हमारे गेहूं का दाम होने पौने दामों पर किसान बेचने के लिए मजबूर है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हमने किसानों को MSP दिया है और MSP की घोषणा करती है और 2125 रुपये का समर्थन मूल्य निर्धारित करती है, वहीं मार्केट में मंडियों में 1700-1800 रुपये क्विंटल पे गेहूं बेचने के लिए किसान मजबूर होता है, जो कि लगभग आज से 10 साल पुराना गेहूं का भाव है। 2012-13 में जो भाव मंडी में किसानों को गेहूं का मिलता था, वही आज 2023 में मिलता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से 2018 में कहते हैं कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा। निश्चित रूप से हमारी लागत तो 4 गुना हो गई, चाहे डीजल के दाम हो, चाहे पेट्रोल के दाम हो, चाहे खाद की बात हो, चाहे बीज की दाम हो, सभी 4 गुना हो गए, लेकिन किसानों की जो फसल है वो वहीं की वहीं रखी हुई है और किसानों का बिल्कुल जीना हराम हो रखा है और कोड़ी कोड़ी के लिए किसान मोहताज बना हुआ है। एक तरफ तो हम देखते हैं कि किसानों का जो खून पसीने से तैयार किया हुआ जो गेहूं की फसल है उसको 1600-1700 रुपए क्विंटल का दाम मिलता है, जो कि 16-17 रुपए किलो है, और वहीं लाला रामदेव जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के मित्र हैं वो अपना आटा जो है 40 रुपए किलो में बेचते हैं। समझ में नहीं आता कि वो कौन सी चक्की में आटा पीसते हैं। एक तरफ तो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं किसान पुत्र हूँ, किसान हितैषी हूँ, किसान मेरा देवता है, अन्नदाता की उपाधि देते हैं। हमारा मध्य प्रदेश का किसान भी परिश्रम में पीछे नहीं रहता है, अथक प्रयासों से अपने खून पसीने से सिंचित करके अपनी फसल पैदा करता है और गेहूं जो पूरी दुनिया में लगभग नंबर वन हमारा देश है और हमारे देश में जो 6-7 राज्यों में गेहूं पैदा होता है उसमें सबसे अग्रणी मध्य प्रदेश है और हमारे मध्य प्रदेश का किसान हमारे मुखिया को शिवराज सिंह जी चौहान को 5-5 बार कृषि कर्मण अवार्ड दिलाता है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री क्या करते हैं, उसी अन्नदाता को, उसी किसान को ADR रगड़ने पे मजबूर करते हैं और यही कारण है कि आज युवा किसान संगठन की टीम को सड़कों पे उतरना पड़ा है। और ये जो साइकिल है ये प्रतीक है जिस तरीके से हमारे देश के राष्ट्रपिता परमपिता महात्मा गांधी जी ने जिस तरीके से चरखा चलाया था और हमारे देश को आजादी दिलाई थी, उसी तरीके से हम लोग इस साइकिल मार्च के माध्यम से पूरे देश को और हमारे देश के किसानों को समर्थन मूल्य और खास करके गेहूं की MSP की प्राइस 3,000 रुपए क्विंटल जब तक नहीं मिलेगी हमारी ये साइकिल रुकने वाली नहीं है। ये इनकलाब इसी तरीके से जारी रहेगा। भारत माता की जय। इनकलाब। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।